आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे पहले बता देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। सो यू वॉच द फुल वीडियो। बात करेंगे सोमनाथ जी के बारे में, इनकी स्टोरी क्या है, इनकी क्या काम करते हैं एसोसिएशन फॉर इंडिया डेवलपमेंट, और ये अपनी फुल लाइफ डेडिकेट किए हैं इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंडिया के लिए काम करता है, किस किस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह से फंडिंग जनरेट करते हैं, कैसे वहाँ पे जाके काम करते हैं एंड कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो एंड इस सारी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है। सो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन दिस स्टोरी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड इनकरेजिंग वीडियो, और प्लीज़ होप यू enjoy it. आज हम जानेंगे कि ये क्या करते हैं कंट्री के लिए और अभी कहाँ पे हैं। सो अभी आप कहाँ पे रहते हैं? अभी मैं बोस्टन में हूँ। सो बोस्टन अर्लिंगटन एरिया में रहते हैं। इंडिया में कहाँ से हैं? इंडिया में वैसे तो मैं बंगाल से हूँ, पर मैं छोटा से जब बड़ा हुआ हूँ तो ज़्यादातर हिमालयन स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, उधर ही पला बड़ा हूँ ज्यादा। पर फिर माँ बाप आके कलकत्ता में बस गए, तो वैसे होम स्टेट बोलने से तो पश्चिम बंगाल का है, पर परवरिश हुआ है पूरे हिमालयन रीजन में ज्यादा। ओके, सो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप इंडिया में क्या किए हैं और कैसे यहाँ पे आए आप? इंडिया में मैंने कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, और फिर इधर आया मास्टर्स करने के लिए, और मास्टर्स किया, उसके बाद कुछ 10 साल जैसे काम किया एक कंपनी में, बस उतना ही काम किया, फिर उधर छोड़ दिया। उसके बाद ये एड नामक एक संस्था जो है एसोसिएशन, अब डिटेल में बताइए जो लोगों को पता नहीं है कि एड क्या है, फुल नाम क्या काम करती है। तो एड का ये है एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट बोल के एक वॉलंटियर संस्था है जो इंडिया में जो दूर दूर गांव में अलग अलग जगहों पे जो लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उनसे जुड़ के एड काम करता है, उनकी आर्थिक सहायता तो करता ही है, वो एक छोटी बात है, पर बड़ी बात ये है कि कोशिश रहती है लोगों के साथ जुड़ने की। ओके, लोगों के आंखों से प्रॉब्लम को समझना, लोगों के आंखों से उस प्रॉब्लम का जो सलूशन हो सकता है वो भी लोगों की आंखों से समझना। सो अगर कहें कि एक तो ग्रास रूट लेवल पे आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और वहाँ पे जो छोटी छोटी एनजीओ हैं जो काम करती हैं लोगों के लिए, उनको भी आप फंडिंग प्रोवाइड करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। सो किस किस एरिया में एड काम करता है? एड अगर हम स्टेट वाइज देखें तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट में थोड़ा बहुत, यू नो, अप्रोक्सीमेटली 25-26 स्टेट्स में एड थोड़ा थोड़ा करके हर जगह ही काम है एड का। और इशू वाइज देखें तो एड में जो सोच विचार है कि हम लोगों को ये इशू पर नहीं, हमको ये होना चाहिए कि इस पर काम करेंगे इस पर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जब लोगों का जो प्रॉब्लम होता है, लोगों के जीवन में जो असुविधाएं आती हैं उसका तो कोई भेदभाव नहीं होता है ना। तो एड को यही लगता है, एड में हम लोगों को, कि हम लोगों को जैसा असुविधा हो रहा है उसी पर काम करें। तो सोचिए कहीं पानी की दिक्कत है, तो वहाँ किस तरह पानी रोका जा सकता है, किस तरह पानी लाया जा सकता है, कहीं महिलाओं पे हिंसा का, खैर ये तो हर जगह ही है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जेंडर वायलेंस हुआ, उसको लेकर काम करना, कि महिलाओं के ग्रुप्स जो हैं, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर ग्रुप्स के साथ भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर ग्रुप बिल्कुल ही एकदम मतलब मार्जिनलाइज्ड होते हैं, सबसे सब उनसे दूर रहते हैं, तो उनके साथ भी काम करते हैं। कहीं जैसे सुंदरबन में हम मैं डायरेक्टली बहुत इन्वॉल्व्ड हूँ, वहाँ हमें एनवायरमेंटल साइंस पे काम, एनवायरमेंटल एंड लाइवलीहुड, ओके, कि वहाँ जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वहाँ हम लोग करीब 30-40 हज़ार किसान परिवार से मिलके काम करते हैं ऑर्गेनिक का उसका, और फिर उसको बेचना, ये सब।
तो इस तरह से सब इश्यूज पर सो लाइक एजुकेशन चिल्ड्रन एंड वुमन एम्पावरमेंट और एनी सोशल इश्यू रिलेटेड टू फार्मिंग हेल्थ हेल्थ सो डिटेल हम लोग बात करेंगे सम ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट एंड मैं भी जानता हूँ मैं भी वॉलंटियर किया हूँ एसोसिएशन फॉर इंडिया डेवलपमेंट के लिए 2013 से 18 तक सो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय सोमनाथ एंड सोमनाथ ने अपना करियर छोड़ के फुल टाइम एड के लिए काम करते हैं एंड इट्स रियली ए बिग थिंग रियली बिग हैंड फॉर यू थैंक यू इट्स रियली बिग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी सो एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि आपको क्या मोटिवेट किया कई बार क्या होता है कि कहना बहुत इजी होता है अच्छा हम कंट्री क्लाम कर रहे हैं देशभक्ति कर रहे हैं बात करना बट अपना करियर छोड़ के फुल टाइम कंट्री के लिए काम करना स्पेशली यूएस से बहुत कम लोग करते हैं आपको क्या मोटिवेट किया और क्या लगा कि नहीं मुझे इसी में काम करना है आई विल सैक्रिफाइस माय करियर एंड आई विल गो फॉर माय कंट्री जो जब मैं पहले एड से जुड़ा तब तो मैं काम ही मतलब वॉलंटियर कर रहे थे कंपनी में काम कर रहा था और एड में वॉलंटियर कर रहा था और इसके इसका मतलब इस संस्था का हाथ पकड़ के मेरे को इंडिया में बहुत लोगों से मिलने को मिला बहुत तो जब इंडिया विजिट करते थे तो आप एड के थ्रू वहां पे घूमते थे हाँ घूमते थे गांव में जाते थे गांव में समय बिताते थे वो प्रोजेक्ट समझते थे आप प्रोजेक्ट समझते थे लोग क्या बोल रहे हैं वो समझते थे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है हमारा छोटे से जैसे मैंने मैं बोल रहा था कि मैं हिमालयों में बड़ा हुआ बद्रीनाथ अरुणाचल सिक्किम ये सब जगह में और मेरे फादर बॉर्डर रोड्स में काम करते थे तो वो लोग रोड बनाते थे तो हम जब छोटे से बड़े होते छोटे से जब देखा हमने रोड बना ये कौन है जो लोग रोड बनाते हैं ये यहाँ के लोग नहीं हैं ये कहाँ के लोग हैं ये उड़ीसा से आए हैं ये बिहार से आए हैं ये झारखंड से आए हैं सो बहुत छोटे से हमारे मन में ये बहुत एक खोट था कि ये क्यों इतनी कठिनाई में ये लोग क्यों काम करते हैं फिर मेरे को जानने को मिला कि इन लोगों ने तो शायद कभी 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर देखा ही ना हो और उन वो लोग आ जाते हैं ये बर्फीली पहाड़ों पर रोड बनाने ना उन पे बस कपड़े हैं ना जूते हैं ना वहाँ रहन सहन का एक ये और पैसा भी नहीं मिलता है टीन के कोठियों में रहना पड़ता है तो छोटे से ये बहुत हमारे मन में था कि ये कैसी गरीबी है कि यह कैसी मजबूरी है कि लोगों को ये करना पड़ता है तो इतने साल बाद मेरे को घूमते घूमते ये तो एक बात है सोचने वाली बात है तो और सोचने और करने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ये गैप होता है एक तो आपकी अपना अपना इच्छा और दूसरी बात होती है कि कैसे आप इच्छा रहने बावजूद भी अभी कभी नहीं कर सकते हैं तो ये माध्यम से धीरे धीरे जो नेटवर्क बना हमारा एड के साथ एक लोगों से दूसरे लोग दूसरे लोग से दूसरे ग्रुप ग्रुप मूवमेंट गांव गांव घूमना ऐसे जाते जाते ये जो नेटवर्क बना इस नेटवर्क के थ्रू हमको उन कम्युनिटी से डायरेक्टली सामने सामने बैठ के बात करने का मौका मिला समझने का मौका मिला कि क्यों ऐसा होता है और वहां इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सब लोग मिलके ऐसा नहीं कि हम बाहर से आके कुछ कर रहे हैं लोग खुद भी कोशिश कर रहे हैं ग्रुप्स कोशिश कर रहे हैं उनसे हाथ मिला के हम किस तरह से इसको थोड़ा इस परिस्थिति में थोड़ा सा सुधार ला सके वहां से बर्फीली पहाड़ हिमालय के से घूम के कलकत्ता दिल्ली बोस्टन घूम के वहीं फिर झारखंड बिहार उड़ीसा में मेरा ज्यादा समय अभी वहीं बीतता है उन्हीं समुदाय तो के साथ। आप कुछ टाइम यहाँ गुजारते हैं बोस्टन में जी एंड कुछ टाइम इंडिया में जी सो जब बोस्टन में लाइक फंड रेजिंग और सब इवेंट करते हैं एंड व्हेन यू गो टू इंडिया व्हाट यू डू देयर इंडिया में हम जो करते हैं वो है इन सब जगहों में जाना जो ग्रुप्स बन रहे क्यों कुछ कुछ जगह डायरेक्टली जाके वहां पे टाइम स्पेंड करते एकदम एकदम 100% एकदम ट्राइबल एरिया जहां जहां जो रियल प्रॉब्लम है आदिवासी एरिया दलित महादलित एरिया जो आपको बोल रहा था मैं जो झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ बहुत
ऐसे आदिवासी महादलित दलित समुदाय सब मिक्स्ड हैं उधर। हाँ, तो और वहाँ परिस्थिति मतलब बहुत खराब है कि मतलब इंडिया में ऐसे इस तरह लोग रहते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं पता होता। ही नहीं है हाँ कि महिलाएं, जैसे उड़ीसा में जहाँ हम लोग काम करते हैं, वहाँ महिलाओं को सूखी नदी में 10 फीट गड्ढा खोदना पड़ता है पानी लाने के लिए। हाँ एक मटका पानी लाने में 45 मिनट समय लगता है उनको। वो उस गड्ढा खोद के नीचे जाके वहां से आस्ते आस्ते पानी उठा के फिर ये ला के महिला घर जाती है। तो हाँ ये जो कहानियां हैं ये वहां बाहर तक नहीं आती हैं। कोई मीडिया वीडिया तो आप जानते ही हैं, उन लोगों को फोकस नहीं करते हैं। उनको हाँ इसमें इंटरेस्ट नहीं है। होता इंटरेस्ट नहीं है। है कुछ बीमारी होने से अस्पताल नहीं है, कहीं ट्रेन में जाना हो तो जनरल कंपार्टमेंट का बोगी भी अभी बंद कर दिया गया है कि एक गरीब आदमी कैसे ट्रेन में उठ के बिहार से कलकत्ता जाए। पहले तो जनरल कंपार्टमेंट में जानवरों की तरह जाना पड़ता था, अभी वो जनरल कंपार्टमेंट भी बंद हो गया है ये आपको। न्यूज़ मुझे नहीं पता है। हाँ, ओके काफी सारे ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट बंद कर दिया गया है, मतलब आपको ऑनलाइन जाके या तो काउंटर में व्हिच इज जाके। नॉट फिजिबल फॉर सच काइंड ऑफ पीपल। एग्जैक्टली। सो वी विल कम बैक टू द डिटेल प्रोजेक्ट। सम ऑफ द प्रोजेक्ट में थोड़ा सा आप हिस्ट्री बताएंगे कि ये एसोसिएशन फॉर इंडिया डेवलपमेंट कैसे फाउंड हुआ एंड इसमें क्या क्या फेलोशिप है जिसके थ्रू आप फुल टाइम इसमें आए। तो ये यहाँ एसोसिएशन फॉर इंडिया डेवलपमेंट 91 में तैयार हुआ था। कुछ मेरीलैंड में कुछ पीएचडी स्टूडेंट थे, उन लोगों ने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, खाली बात नहीं करके एक्चुअली हाँ करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ये सोच विचार से ये शुरू हुआ। और वो उन्होंने अपना नाता बनाया इंडिया में छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स के साथ। कोई गांव में स्कूल चला रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है, कोई महिलाओं को लेके काम कर रहा है। तो धीरे धीरे ये आइडिया था, इससे ये धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया। लोग जुड़ते गए और फिर एड का कनेक्शन बना सोशल मूवमेंट्स से। जब तक नहीं हम सोशल मूवमेंट्स में घुसते हैं तो ये सामाजिक क्या कारण से ये शोषण होता है समाज में, क्या कारण से कुछ लोग पिछड़े हैं, पिछड़े प्रॉब्लम हैं, है, एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आता नहीं है। आता है। तो जब सोशल मूवमेंट से एड जुड़ा तो ये समाज थोड़ा थोड़ा बनने लगा उनका कलेक्टिवली। तो उससे जो है दूसरा काम पर भी इफेक्ट पड़ा कि ये जो निर्माण मूलक काम है उसमें भी ये इस सोशल मूवमेंट का इफेक्ट पड़ा कि कहाँ काम करना चाहिए, किनके साथ काम करना चाहिए, किनकी बात ज्यादा करके सुनना चाहिए। क्योंकि जो समाज में जो शोषित लोग होते हैं, जो शोषित समुदाय होते हैं, उनका आवाज नहीं उठता है या हाँ उठाया नहीं जाता है, दबा दिया या वो जाता बोल है, भी नहीं पाते हैं। बोल नहीं पाते हैं। तो हम लोग इसीलिए एड में सोचते हैं कि उनकी बात सबसे ज्यादा करके सुननी चाहिए। और ये कितना ट्रू है, लोग बोलते हैं कि जो स्वदेश मूवी है दैट इज बेस्ड ऑन द एड फाउंडेशन एंड एड स्टोरीज। यस, स्वदेश जो बना था, खैर वो तो थोड़ा मूवी है तो उसके पास मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, 100% नहीं कर सकते हैं, बट स्टोरी वाज समवॉट बेस्ड ऑन। राइट राइट। जो वन ऑफ द फाउंडर्स जो था एड का, वो इंडिया में जाके उधर काम कर रहा था, बिलगांव बोल के महाराष्ट्र में एक एरिया है जहां उन लोग ने माइक्रोहाइडल बनाया, इलेक्ट्रिसिटी आया गांव में, तो उसी पर आधारित स्वदेश की कहानी है। दैट इज ट्रू। और स्वदेश के अंत में वो लोग एक्नॉलेजमेंट भी देते हैं, दे हैव एक्नॉलेज्ड इट, बट ऑब्वियसली ये काफी पर्सनैलिटी सेंट्रिक हुआ है, जबकि एक्चुअली में ये एड पर्सनैलिटी सेंट्रिक नहीं है। हाँ, या और वो कम्युनिटी सेंट्रिक हाँ था। कम्युनिटी तो खैर वो तो सिनेमा ऐसे बनाएंगे हाँ उसमें तो थोड़ा सा यार। सिनेमा में दिखाना हाँ है टू कैच द ऑडियंस। सो आप इसमें फुल टाइम कैसे आए, क्या फेलोशिप है इसमें? हाँ तो मैं जो फुल टाइम आया जब मैंने नौकरी छोड़ी, तब ये इधर इसमें कोई नहीं था कुछ ऐसा। हाँ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि तब मेरे को लगा कि
अगर तब नहीं छोड़ता मैं तो फिर मतलब लाइफ का जितना टाइम बाकी है निकलना मुश्किल हो जाता। तो उसको पहले छोड़ दिया, तब एड का कुछ था नहीं। और फिर 5 साल हमने ऐसे ही बिताया, मतलब अपने आप फुल टाइम वॉलंटियरिंग करके। दूसरे इश्यूज भी थे, इंटरनेशनल कैंपेन्स थे कुछ, उसमें जुड़ा हुआ था। तो 5 साल ऐसे कुछ विदाउट इनकम हमने चलाया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, प्रोत्साहन दिया, तो उससे चलाया। और तो फिर एड में तब ये मतलब डिस्कशन चालू हुआ था कि अभी एड काफी बड़ा बन गया है, तो कोई फुल टाइम चाहिए जो एंकरिंग करे इसको यूएस में भी। इंडिया में तो खैर थे ही कुछ लोग, वापस गए थे जिनको एड में जीवन साथी बोलते हैं, वो लोग फुल टाइम काम कर रहे थे इंडिया में। पर फिर लोगों को लगने लगा कि यहाँ भी कोई होना चाहिए जो सारा फंड रेजिंग का, हर एक चीज का, इवेंट का, फंड रेजिंग का करेगा, वॉलंटियर्स के साथ कनेक्ट करेगा और वॉलंटियर्स को इश्यूज के साथ कनेक्ट कराता रहेगा, कि मतलब इधर के ऑर्गेनाइजेशन पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो फिर तो तब तक, और मैं तो था ही, मैं तो फुल टाइम वॉलंटियर कर रहा था, मतलब ऑफिशियली नहीं था पर वॉलंटियर कर रहा था। तो सबने सोचा कि अरे शायद ये ठीक रहेगा, तो उन्होंने मेरे को भी पूछा, मैंने भी कहा हाँ मुझे तो बहुत अच्छा ही लगेगा। तो ऐसा करके एक ये बना। फिर इसके इसको उस टाइम पे आपकी शादी हो गई थी? शादी हो गई थी और बेटी भी जब हुई थी तब। ओके, हाँ, सो इट्स रियली रियली अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट टेक डिसीजन इस टाइम पे, स्पेशली जब आपके पास बच्ची और वाइफ है। एंड आई एम ग्लैड कि आप वाइफ, आप आपकी वाइफ भी इतना ही एक्टिवली इसमें काम करती हैं और आपको सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वंडरफुल। नहीं, विदाउट फैमिली सपोर्ट ये तो मुमकिन नहीं था, टू यू नो लिव इन अ कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 5 years विदाउट इनकम। यू नो, नॉट टू मेनी पीपल विल be open to this idea, but I had the full support of the family, and we could you know ride through this, and the community also supported. तो इसी कारण ये मुमकिन हुआ, नहीं तो शायद मुमकिन नहीं होता। कैसे यहाँ पे आप फंडरेजिंग का इवेंट कलेक्ट करते हैं और या कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड हाउ यू डील विद द फंड एंड सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट इन इंडिया एंड हाउ इट वर्क्स? तो यहाँ जो चैप्टर्स बने हुए हैं, 20-25 चैप्टर हैं पूरे यूएस में, तो वहाँ वॉलंटियर इकट्ठा होते हैं रेगुलरली। और पहले तो पहली बात ये है कि वो कुछ प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं इंडिया में, कि हमको यहाँ स्कूल का ये सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम वहाँ किसानों के साथ काम कर रहे हैं, या एनवायरमेंटल जो भी हो, ऐसे करीब करीब 100 प्रोजेक्ट्स चलते हैं साल में। तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट से ये चैप्टर कनेक्टेड होते हैं, और फिर उनको उनसे बातचीत करना, वहाँ जाना, उनसे मिलना, ये सब चलता रहता है। और फिर उनका सपोर्ट, अच्छा ये काम हम कर रहे हैं, हमको इतना पैसा चाहिए इसके लिए, तो उसके लिए वॉलंटियर्स क्या करते हैं, यहाँ लोगों से डायरेक्टली मांगते हैं एक नंबर कि हम लोग देखिए ऐसा काम कर रहे हैं, आप क्या आप इसको सपोर्ट करना चाहेंगे? तो उसके उसके रिस्पांस में काफी लोग डोनेट करते हैं। और फिर और अलग अलग तरीका है, कोई कॉन्सर्ट करता है, कोई चैरिटी इवेंट करते हैं, चैरिटी इवेंट करते हैं। यहाँ बॉस्टन में जैसे हम लोग एक रन करते हैं, तो अभी मैं पिछले हफ्ते ही भागा एक हाफ मैराथन, तो हमारे जैसे ऐसे 10-15 लोग हैं जो भागते हैं, और हम जब भागते हैं और ट्रेनिंग करते हैं मैराथन के लिए, हाफ मैराथन के लिए, हम लोगों को बोलते हैं कि हम ये कॉज के लिए कर रहे हैं, कि हम इधर बंगाल के इस गांव में काम करना चाहते हैं, बिहार के उस गांव में काम करना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो जो ये हाफ मैराथन फुल मैराथन करता है उन सबको लोग डोनेट करते हैं, तो वहां से पैसा बनता है। सो एक क्वेश्चन हमारे ये है कि पहले तो एड का हर चैप्टर जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज में है, जैसे मैं GHU चैप्टर में था, तो जो वहाँ के स्टूडेंट हैं आके वहाँ पे काम कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी लोकल चैप्टर रजिस्टर्ड रहता है, और कुछ ऐसा भी है जैसे आप बोस्टन में यहाँ पे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई चैप्टर है अभी नहीं है? अभी नहीं है। क्या कोई पर्सन जो US में है
कैसे जॉब में है, पार्ट टाइम कैसे सपोर्ट कर सकता है, वॉलंटियर कर सकता है। बहुत सारे लोग तो जॉब नहीं छोड़ के आ सकते फुल टाइम, बट पार्शियली जैसे मैं करता हूँ, लाइक हफ्ते में 2 घंटा टाइम दे दें, या जो हाउसवाइफ हैं पर डे 1 घंटा सोशल मीडिया के थ्रू बिना कहीं जाए कैसे लोग सपोर्ट कर सकते हैं एड में? अभी तो थोड़ा इजी हो गया है वो एक्चुअली। हम लोग जैसे बॉस्टन की बात करता हूँ, मैं बॉस्टन में हम लोग हर संडे को मीट करते हैं, कोई और चैप्टर है वो शायद हर 2 हफ्ते में मीट करता है, और ये जो कोविड के बाद तो अभी ज्यादातर मीटिंग सब जूम पे हो गए हैं। तो आप अगर नहीं भी आ सकते हो, कोई चैप्टर से आप जुड़ना चाहते हो तो आप जूम पे मिल सकते हो। जूम पे मीटिंग होती है, इश्यूज डिस्कस होते हैं, प्रोजेक्ट्स डिस्कस होते हैं, डेमोक्रेटिकली वोट लिया जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सपोर्ट होगा कौन सा नहीं होगा, फिर कौन सा क्या इवेंट बनाया जाए, शायद इवेंट में सब एक साथ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोई स्टूडेंट्स आते हैं वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पर्सनालिटी वाइज क्या बेनिफिट होता है वॉलंटियर करने का? हाँ नहीं, ये तो ये एक बहुत बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात है। जब हम वॉलंटियर करते हैं, जब हम जो कॉज है उससे जुड़ते हैं, तो उसमें फिर लगने लगता है हमको कि हमको हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, एक्चुअली हम लेते हैं, क्योंकि वो हमें एक लिबरेशन की तरफ ले जाता है, क्यों हमको हमको पूरे समाज को लेके सोचने का एक एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। हाँ, जो हम बोलते हैं यूजुअली कि पिछड़े लोग, पिछड़ा कोई नहीं होता है, उनको धकेल दिया जाता है पीछे, और जो उस शोषण में, उस निपीड़न में जो आदमी, जो औरत, जो लड़के जिंदा है, उसके पास इतना रिसोर्सेस है, रिसोर्स मतलब इतना उसका लाइफ एक्सपीरियंस है कि वही लोग होते हैं, वो लोग आपके गुरु बन जाते हैं। जो सीखने का होता है उनसे सीखने को मिलता है हमको। मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम उत्तर बंगाल के जंगल में काम करते हैं, जहाँ आदिवासी समुदाय ज्यादातर है। ये ब्रिटिश टाइम में वहाँ आदिवासी जबरदस्ती बसाए गए थे, उनसे काम करवाया गया था बिना पैसे का। ये बहुत लंबा हिस्ट्री एक है, उसकी बात बाद में करेंगे। पर ये एक जंगल का गांव था, जो जंगल के बहुत अंदर। तो उनसे मिला तो एक बुजुर्ग थे उधर, वो बोल रहे थे कि आजकल थोड़ा कठिन हो गया है। कि क्यों कठिन हो गया है? कि हाथी निकल आता है जंगल से, हाथी निकल के हमारा धान पूरा खा जाता है। तो हमने पूछा कि पहले कैसे था? तो उनने कहा कि पहले जंगल अच्छा था, घना था, तो हाथी को हाथी का खाना जंगल में मिल जाता था। और हम यहाँ धान लगाते थे, हम धान खाते थे अपना, वो कभी एक साल में 1-2 बार निकला तो वो ठीक है, तो हम अपना खाते थे, हाथी अपना खाता था। अभी जंगल खराब हो गया है, जंगल मतलब वो जो घना जंगल था वो, तो अभी उसको खाना उधर मिलता नहीं है, तो इसीलिए वो बाहर आ जाता है, तो ना हाथी को खाना मिलता है ना हमको खाना मिलता है। तो मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ गांव में ज्यादातर कितने टाइम खाते हो? बोलते 1 टाइम, और कभी कभी हो तो 2 टाइम। तो 2 टाइम का खाना उनको मतलब बहुत खाना है, बहुत खाना है। एक टाइम हाँ, पर इसी के बाद, ये बोलने के बाद वो बोलते हैं कि चलो हम तो आदमी हैं, समझ लेंगे, हमारा छोटा पेट है, आप एक बार हाथी की बात सोचिए, हाथी का पेट कितना बड़ा होता है और हाथी कैसे भूखा रह सकेगा, ये सोच के तो मेरे को मेरा रात का नींद खराब हो जाता। तो ये जो आदमी है, इसका जो विजडम है, इसका ये पढ़ा लिखा नहीं है, पर इसका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, इनका जो सोच विचार है, जो विजडम है, इससे तो आप किसी की विजडम की तुलना कर ही नहीं सकते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं ऐसे, तो आपको क्या हमको गलती से भी ऐसे कभी मालूम लगेगा नहीं कि हम कुछ उनको दे पाएंगे, हमारे पास क्या है देने के लिए।
हमको सीखना है और उस सीख को लेकर अगर समाज में लोग इनकी तरह सोचे तो ये एक अलग जगत बन पॉजिटिव कितनी कम्युनिटी बन जाएगी। और प्लस मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, देयर इज सो मेनी अदर बेनिफिट। अगर बहुत आप डीप सोशल में नहीं जाना चाहते हो तो भी आपको वॉलेंटियर करना चाहिए। फर्स्ट आप जब वॉलेंटियर करते हो किसी चैप्टर में तो मल्टीपल लोगों से नेटवर्क करने का ऑप्शन मिलता है, यू लर्न अलॉट फ्रॉम द डिफरेंट पीपल। प्लस आप एक प्लेटफॉर्म पे कैसे कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे से अगर डिसएग्रीमेंट है तो कैसे आप अपना पॉइंट रखते हो, ये सब पर्सनालिटी सीखने को मिलती है। प्लस अगर कोई प्रोजेक्ट है, इंडिया में प्रोजेक्ट है, तो आप वॉलंटियर कर रहे हो तो एक प्रोजेक्ट आपको साइन कर दिया जाएगा, नाउ यू लीड दिस प्रोजेक्ट, नाउ उसका फाइनेंशियल कंट्रोल एवरी मंथ या सेकेंड वीक आपको इंडिया से अपडेट लेना है, यहाँ पे प्रेजेंट करना है टीम के साथ, फिर वोट लेना है कि इनको फंड कैसे जनरेट करते हैं, ये करते हैं, तो एज ए होल बहुत कुछ सीखने को मिलता है। या जैसे मैं करता था तो मैं उस टाइम पे सीखा था कि कैसे फंड रेजिंग करते हैं, या कैसे हम लोग डिफरेंट इवेंट में जाके प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे, हैशटैग का मतलब क्या होता है। उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम हुआ कि जैसे होल एड वॉलंटियर वर्ल्ड वाइड एक साथ हैशटैग बना के एक साथ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट द फंड रेजिंग। सो देयर आर सो मेनी यू कैन लर्न, एंड आपको यूएस में या किसी भी कैरियर में भी ये सीबी में लिख सकते हैं आप। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आई 100% 110% आई रिकमेंड यू टू वॉलंटियर फॉर इट। आप जैसे भी टाइम दे सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, इन पर्सन, एंड सो देयर सो मेनी बेनिफिट। मतलब योर पर्सनल स्किल्स आल्सो गेट वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। कोई इंफॉर्मेशन अगर ऐड की लेना चाहे कि कहां से कनेक्ट हो सकता है, क्या ईमेल है, आपका प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल कहाँ से पा सकते हैं सब लोग? वो वेबसाइट पे सब है, शायद प्रोफाइल तो उतना नहीं है, पर डिटेल सब है, कॉन्टैक्ट सब है, क्या कहाँ कहाँ काम होता है, और वेबसाइट पे aidindia.org, और वहीं पे आप कोई भी कांटेक्ट भी कर सकता है। एंड अगर आप बोस्टन एरिया में रहते हैं, सोमनाथ जी से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आई विल कीप द इन्फॉर्मेशन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड यू कैन सपोर्ट द काज। हम लोग बात करना चाहेंगे कि कैन यू लिस्ट सम ऑफ द अचीवमेंट फ्रॉम द एड, आर स्पेशली यू हैव डन इट एंड यू फील प्राउड ऑफ दैट, कोई ऐसा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं। मैं हल्का से दो प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ जो हमारे जो मैं काफी क्लोज है, क्लोज है, जिसमें मैं एकदम अंदर से जुड़ा हुआ हूँ। एक है सुंदरबन का, जो 2009 में हम लोगों ने चालू किया था साइक्लोन के बाद वहाँ, तो वहाँ हम लोगों ने ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का काम शुरू किया था। तो इनिशियली जब चालू किया तब तो लोग उतना ये नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसको, और हम लोगों ने करीब 25 फार्मर्स लेके स्टार्ट किया। तो फिर देखा गया कि अरे ये तो बहुत अच्छा उनका फसल हुआ है, क्योंकि वो मतलब ये सलाइन वाटर आ गया था ना लैंड में, तो वो उसमें खेती नहीं हो सकती है फिर तो, बट ये जो ऑर्गेनिकली कर रहे थे उनका हुआ, तो वो उसने हमको बहुत सारा मतलब बहुत एंथुजियाज्म दिया, लोगों को भी एंथुजियाज्म दिया। तो फिर नेक्स्ट ईयर तो सब काफ़ी ये हो गए थे, पर हमने कहा कि इसको हम कैसे करेंगे। जो ट्रेनिंग हमने लिया था वो तमिलनाडु के एक फार्मर से लिया था, ओके, तो हम ये कैसे बार बार तमिलनाडु से कोई आके हमको सुंदरबन में सिखाएगा। तो हमने फिर जो फार्मर्स थे उन्हीं को कहा कि आप ही लोगों को ट्रेनर बनना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने एक और ट्रेनिंग लिया रेवती से, जो आई थी जो ट्रेनिंग देने, और फिर अगले साल वो लोग ट्रेनर बन गए। ओके, सो ये जो 25 लोग जिन्हें ट्रेनिंग लिए एक साल करके किया अपना काम, नेक्स्ट ईयर उन लोगों ने दूसरों को ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। सो वहां से ये प्रोग्रेसिव वे में बढ़ता गया, तो हर साल हम ज्यादा ज्यादा ट्रेनर बनते गए, फिर ट्रेनर लोग दूसरे ट्रेनर को बना रहे हैं, तो ऐसे करके ये स्प्रेड होता गया। और तो उसमें आप सिखा रहे थे कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, क्या टेक्निक्स है इसके बिहाइंड, और ये सब है, एंड प्लस यू आर आल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। हाँ, ओके, और सपोर्ट तो मतलब मेनली ये प्रोग्रामेटिक सपोर्ट कि जो ट्रेनिंग देता है उसको थोड़ा लाइफ मतलब एक खर्चा उनका वहाँ खाना पीना जाना रहना है ना, ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने में, और कुछ कुछ जो बहुत छोटे छोटे फार्मर्स थे या भूमिहीन भी जो थे परिवार, उनको थोड़ा सीड का सपोर्ट देना। कभी कभी ये हम लोग ना जी जब जब ऑर्गेनिक काम करते हैं तो
ये सब मटका वटका चाहिए होता है उसमें, ये बनाते हैं गाय का पेशाब लेके, गोबर लेके, ये सब पंच काव्य जीवामृतम, ये सब अलग अलग टॉनिक्स बनाते हैं। तो कुछ कुछ परिवार जो होते हैं ना, उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता है कि एक मटका खरीद के मिट्टी का ये करे, तो ये सब का सपोर्ट देते थे। तो इसी ऐसे करके ये धीरे 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 मूवमेंट बन गया, बहुत पॉपुलर हो गया। अभी अभी के दिन में करीब 30-40 हजार लोग ऐसा कर रहे हैं, इसको अडॉप्ट कर लिए हैं। हाँ हाँ। सो सेकंड प्रोजेक्ट आप क्या बात कर रहे थे? द सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो, जैसे मैं सेंट्रल इंडिया में बोला था, वहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि जंगल काट दिया गया है। जैसे जंगल कट जाता है ना पहाड़ी क्षेत्र में, सेंट्रल इंडिया मींस वेयर वेयर, मध्य प्रदेश तक हम लोग गए नहीं है अभी तक, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ओके, बिहार के कुछ पार्ट्स, ऐसे ये सब स्टेट में। तो जहाँ जंगल काट दिया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पानी गिरने से पानी, अब ये पूरे इंडिया में देखने को मिल रहा है, पानी बहुत जल्दी बह के निकल जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। और वो जो पानी एक बार गया नदी में, नदी से गया समुन्दर में, वो तो पानी यूज करने के लायक नहीं रहा फिर। तो फिर जब बारिश का सीजन खत्म हो जाता है मानसून, तब पानी नहीं रहता है, नदी भी सूख जाती है और वाटर का लेवल जो है ड्रॉप करते रहता है। हमारे एक साथी के साथ नवादा में काम करते हैं, वो उनके मतलब कुछ पानी का लेवल ही नहीं है उधर। उधर एक सकरी नदी है, सकरी नदी बहती है, सूख जाती है वो, और वो मिट्टी के नीचे जो पानी है वो हर साल 5-7 फीट करके नीचे जाता जा रहा है। तो अब ये पॉपुलेशन कैसे रुकेगा? हर साल 5 फीट नीचे जा रहा है, मीन्स लाइक अलार्मिंग है, अलार्मिंग है, अलार्मिंग। अब आप सोचिए कलकत्ता जैसे शहर में जहाँ बहुत पानी गिरता है, वहां हर साल 1 फीट करके नीचे जा रहा है वाटर टेबल। और हर शहर में इंडिया के ऐसा है, आप देख रहे हैं दिल्ली का भी बहुत बुरा हाल है। दिल्ली का तो है ही, दिल्ली में तो आप जानते ही हैं यमुना का क्या हाल है। और कि पर मध्य भारत की अगर हम बात करें ज्यादा से ज्यादा, मध्य भारत में सब नदियां जंगल से शुरू होती हैं। उत्तर भारत में जैसे नदियां हिमालय से आती है, ग्लेशियर मेल्ट से आता है काफी पानी, 1/3 पानी गंगा का, अबाउट 1/3 नहीं, अबाउट 25% पानी गंगा में ग्लेशियर मेल्ट से आता है, बाकी बारिश का पानी जमता है। पर मध्य भारत की जो नदियां हैं उसमें तो कोई ग्लेशियर नहीं है, वो पूरे बारिश के पानी से जंगल से आता है। सो वो सब नदियां एक एक करके सूख रही है। तो हमारा जो काम है, हम वो अगेन कम्युनिटी को लेकर, मोस्टली आदिवासी कम्युनिटी है, वहाँ लेके इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके रोकना, जो छोटे छोटे नालाएं हैं उनमें पत्थर का बांध बनाना कि पानी थोड़ा रुक जाए और अंदर घुसे पानी, जंगल को बढ़ाना, गांव में पानी का तालाब ये करना। तो ये काम हम इसको एक तरह से वाटरशेड रिजुविनेशन, वाटरशेड रेस्टोरेशन का बात बोलते हैं। और पहले भी हुआ है ये काम, ऐसा नहीं है कि बहुत नया काम है, पर पहले जो होता था कि हम गांव में तालाब बना के छोड़ देते थे, ऐसा सोच था। पर ऐसा नहीं है, आप जब तक जंगल वापस नहीं आएगा पहाड़ का, वो पानी रुकेगा नहीं। सो जो होलिस्टिक जो सोल्यूशन है इसका, इज एक्चुअली इकोलॉजिकल रिवाइवल। इकोलॉजी को आप थोड़ा रिवाइव कर सकोगे तो जो नेचुरल वाटर साइकिल होता है वो एस्टेब्लिश होगा। तो ये काम, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि उड़ीसा में महिलाओं को 10-10 फीट सूखी नदी में गड्ढा करना पड़ता है, तो ये हम मतलब झारखंड के हर गांव में देखते हैं ये हालत है। अब यही मतलब न्यू नॉर्मल, गांव में महिलाएं मतलब फरवरी महीना से नदी सूख जाती है, नदी सूख जाती है, कुएं में पानी नहीं रहता है, ये लोग ऐसे दूर दूर जाके किलोमीटर। तो ये काम हम कर रहे हैं और इससे जो है ना, इनसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है कि 1-3-4 साल के काम में ना छोटी छोटी नदियां वापस बहने लगी है। कुछ कुछ गांव में ये जो कुआं का पानी है ऊपर आ गया, 10 फीट बढ़ गया है, 10 फीट, जो मतलब टंग टंग करके बाल्टी नीचे लगता था, अब वो नीचे तक जाता नहीं है, वाटर आ गया है, पानी आ गया है।
तो मतलब अमेजिंग चेंज हुआ है। और ये जैसे पानी वापस आ जाता है गांव में, इमीडिएटली खेती आ जाती है, क्योंकि लोग तो खेती करने के लिए उत्सुक हैं, पानी नहीं होता है। तो इसमें हमको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, बहुत उत्साह है लोगों में, यहां तक कि सरकार भी मोटिवेटेड हो रही है, जहां प्रोजेक्ट को देख के, वो पीछे पीछे आके वहां भी काम कर रही है। तो जब जब सरकार आके काम करना चाहते चालू करती है, तो हम धीरे दूसरे गांव में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हम बहुत बड़ी तरह से सोच रहे हैं अगर हम कर पाए। हम लोग ने झारखंड में दो नदियां पकड़ी हैं, एक का नाम है बांसलोई नदी और एक का नाम है क्यूल। ये दोनों नदियां भी सूखी हैं। सो ये सब बेनिफिट होता है जब आप जैसे साइंटिफिक लोग या बहुत जो सोच वाले लोग हैं तो एक्चुअल प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तालाब में पानी जा रहा है नीचे तो क्यों जा रहा है, तो अगर सॉल्व करते हैं तो बिग इम्पैक्ट आता है। सो ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग बहुत लॉन्ग बिग प्रोजेक्ट पर नहीं ले जाते हैं, फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। फंडिंग में थोड़ा डेफिनेटली ये है, लोग काम करेंगे तो लोग फंडिंग रहेगा तो अच्छा। हाँ, बिना काम के जो मतलब बिना बिना पैसे का तो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कमाने और कहीं जाना पड़ेगा। सो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे $5-$10 हम लोग के लिए कुछ नहीं होता है अगर US में है तो, बट क्या आप बोल सकते हैं कि $10 का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया में, या एक इनकरेजिंग वर्ड की पीपल डोनेट करें? हाँ, $10 में तो शायद अभी बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, मतलब बहुत कॉस्ट बढ़ गया, इन्फ्लेशन है, और बट कोई भी $10 पर मंथ अगर डोनेट कर रहा है, एकदम एकदम हम मैं इस बारे में बोलता हूँ जो वाटरशेड के बारे में, हम करीब सोचिए $400-$500 में एक अच्छा तालाब बना सकते हैं। दैट इज अमेजिंग। और वो तालाब, ये जो $400-$500 की बात कर रहे हैं, ये पैसा भी कहाँ जाएगा, लोगों के पास ही जाएगा, जो काम कर रहे हैं गांव के, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की तरह, एम्प्लॉयमेंट भी है एकदम, मनरेगा की तरह, है। और ये जब पानी हम जब अच्छी तरह तालाब तो कहीं भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, पर ठीक से तालाब बनाने का टेक्निक होता है कि आप ऐसी जगह में बनाएंगे जहां बाहर का पानी आता है। आप बहुत मनरेगा की तालाब देखेंगे, ऐसी जगह में बनाया जाता है जहां पानी आता नहीं है। तो हमारा, हम बहुत मेटिकुलसली साइटिंग करते हैं कि किस जगह पर बनना चाहिए, किस जगह पर बनना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। आप ठीक से ये करेंगे, और गांव के लोगों को मालूम है ये सब, ऐसा नहीं है ये नया नॉलेज नहीं है, ट्रेडिशनल टेक्निक है। आप ठीक से बनाएंगे सारो साल पानी रहेगा। सो अगर 400 में एक तालाब बन सकता है, मीन्स एक विलेज का पूरा हेल्प हो सकता है। अगर आप US में हैं, अगर किसी के घर में स्विमिंग पूल है ना, तो एक बार कोई चेक करने आता है तो $500 सिर्फ चेक करने का ले जाता है। अगर विंटर आ रही है, आपका स्विमिंग पूल क्लोज हो रहा है, तो आपको पता है क्लोजिंग का भी $1,000 चला जाता है। बट इन $1,000 यू कैन चेंज। अगर आप 1,400 नहीं डोनेट कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं, PhD हैं, पोस्ट डॉक हैं, आप अपनी फेलोशिप से $10 पर मंथ डोनेट कर सकते हैं, एंड दैट कैन मेक ए बिग चेंज इन इंडिया। और मैं इनकरेज करता हूँ कि सबको डोनेट करना चाहिए। हमें डोनेट करने के लिए कभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, बट हम अपने से ही इसको इम्पॉर्टेंट समझें। $10, $15, $20 पर मंथ हम कर दें, इवन आपके क्रेडिट कार्ड में जो 1% रिटर्न मनी आता है उसको भी आप डोनेट करेंगे तो दैट इज ए बिग मनी। एकदम बिल्कुल या और ये जो ये भी बात सोचने वाली है कि हमारे गाँव में, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में जो लोग काम कर रहे हैं, जंगल बचा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, वो एक्चुअली उसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। या आज के दिन में जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो जो समुदाय जंगल बचा रही है, जो पानी बचा रहे, दे आर एक्चुअली डूइंग अ ग्लोबल वर्क। या सो द ग्लोबल कम्युनिटी शुड आल्सो रेसिप्रोकेट एंड यू नो वर्क इन सॉलिडेरिटी विद देम। उनसे मिलके काम करना चाहिए। आप इंडिया से हैं, आप इंडिया से भी डोनेट कर सकते हैं, और सोचे कि इंडियन सिटीज में, मेट्रो सिटीज में कहीं भी हम लोग के पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है, बट अगर आपके सिटी के सराउंडिंग एरिया में, रूरल एरियाज में सारे अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो स्टिल यू विल गेट फ्रेश एयर इन योर सिटी। सो एकदम इट्स अ बिग थिंग। एब्सोल्युटली। एंड टुडेज इन टुडेज डे एंड टाइम यू नो क्लाइमेट चेंज इज परहैप्स one of the biggest threat for humanity. Yeah. And these communities are on the forefront
fighting and resisting climate change and perhaps doing the most important work that anyone can imagine. कि एज ए होल कितना तक फंडिंग जनरेट करती है इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग एड या बोस्टन चैप्टर ईयरली कितना जनरेट करते हैं स्पेशली जब उत्तराखंड में जो आया था जो डिजास्टर हुआ था फ्लड वाला या कोविड के टाइम पे या जो मेजर नेचुरल डिजास्टर आई हैं उस टाइम पे एड ने कितना फंडिंग जनरेट किया है कैसे सपोर्ट किया है कुछ बात करना चाहेंगे आई नो सम ऑफ देम आई रियली इंप्रेस्ड विद दैट Definitely. So, उत्तराखंड का तो याद नहीं है मेरे को नंबर वंबर याद नहीं है पर it was a very good response from the community here. You know, people responded and we were able to work directly quite a bit. और हम जो करते हैं एड में you know जो जब disasters होते हैं disaster relief एक बात होती है वो तो एड करता ही है पर उसके बाद जो कंटिन्यू पोस्ट इफेक्ट उसमें वो टाइम में सब ज्यादातर संस्थाएं निकल जाती हैं एंड आवर मिशन इज टू स्टे देयर तो अभी जैसे कोविड हुआ सोचिए आप कोविड में सो फार एड सपोर्टेड अबाउट 3.3 और लगभग 3.5 मिलियन डॉलर्स सपोर्ट किया है और यू नो गांव-गांव ये शहर-शहर में सपोर्ट हुआ ही है पर हम $3.5 million हाँ पर एड ने डायरेक्टली अबाउट 70-80 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को सपोर्ट किया क्योंकि जब गांव में लोगों को कुछ सीरियस होता है तब गांव के लोग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पीएचसी में तो ज्यादा होता नहीं है कुछ तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ही जाओ प्राइवेट में जाना तो मुमकिन नहीं है अफोर्डेबल नहीं है तो हम लोगों ने फिर हमारा एक ये यंग ब्यूरोक्रेट्स का एक टीम से हमारा ये हो गया था इंडिया में जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स इधर आए थे वो एड से जुड़ गए फिर वापस चले गए तो तब उन्होंने हम मेरे को फोन किया कोविड के बीच में कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं क्या क्या एड हाथ मिलाएगा तो हमने इमीडिएटली मैं इंडिया में था तो हम उन लोगों ने पूरे इंडिया के सब जितने कलेक्टर हैं सबसे ये बना के कि कहाँ वेव ट्रेवल कर रहा है और उस अस्पताल को हम सपोर्ट करें तो ऑक्सीजन हुआ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हुआ सिलेंडर हुआ बेड हुआ मॉनिटर हुआ ऐसे करके करीब 70 ऑल द वे फ्रॉम मणिपुर टू हरियाणा टू तमिलनाडु टू कर्नाटका टू मध्य प्रदेश सब राज्यों के अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वी वर एबल टू सपोर्ट एंड वॉलंटियर्स ऑल्सो रिस्पॉन्डेड वेरी नाइसली हम लोगों ने काम किया थर्ड वेव के प्रिपरेशन में के लिए वी यू नो वी गॉट पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स टू ट्रेन हंड्रेड्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कि अगर थर्ड वेव आया तो आप क्या करेंगे अभी हम कम्युनिटी हेल्थ पर काम कर रहे हैं कि अगर आगे पेंडेमिक हुआ कि जनरली अबाउट पब्लिक हेल्थ क्या कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पर ये काम कर रहे हैं हेल्थ राइट्स पर काम कर रहे हैं राइट सो दिस इज द कंटिन्यूइंग जो कोविड में एक और थिंग दैट हैपेंड कि बहुत लोगों की पढ़ाई छूट गई गांव में वो डिजिटल उस पर नहीं हो सका या उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है इंटरनेट नहीं है डेटा नहीं है फोन है पर डेटा नहीं है राइट सो देन उनको 2 साल का पढ़ाई छूट गया उनका सो हाउ डू वी ब्रिज दैट सो दैट वी आर कंटिन्यूइंग टू वर्क ऑन कैसे लाइवलीहुड जनरेट कर सकेंगे कैसे हेल्थ प्रिपरेशन बेटर होगा दिस इज अ कंटिन्यूइंग लोगों को बहुत लोगों को लगता है शायद कोविड खत्म हो गया कोविड खत्म नहीं हुआ है कोविड क्राइसिस कंटिन्यूज इन दीस फॉर्म्स एंड वी आर वर्किंग विद दैट अगर कोई पर्सन अगर 2 साल जॉब नहीं आया उसका बैचलर छूट गया मास्टर छूट गया देन उसका इफेक्ट उसके लाइफ टाइम जाएगा एग्जैक्टली सो दैट दीस काइंड ऑफ थिंग्स वी कंटिन्यू आर एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि सो एड का जो जनरल ये है कोविड इज अ स्पेशल सिचुएशन उसमें यू नो मोर पीपल डोनेटेड एंड इट वॉज एबल टू डू मोर बट नॉर्मली एड अक्रॉस US एड रेजेज अबाउट लगभग $2 million $2 million every year right and all of which goes to India support of course there are some expenses but most of it goes to support the grassroots so aid one of the very trusted charitable organization hai and even it is listed by new york times and bahut time pe jaise covid ke time pe bahut card bhi ho raha tha so new york times aur bahut sari jo achhi company hai trusted कंपनीज का लिस्ट वो किया था जिसमें एड को भी बोला था कि यू कीप डोनेट ऑन एड विच इज लाइक रियली वर्किंग एंड मैं पर्सनली वर्क किया हूँ तो आई नो मोस्ट ऑफ द मनी
directly goes to the cards. Yes, yeah. Definitely. So really, really inspiring hai, and thank you so much. I feel proud to be in your network and I feel proud to be part of AID and thoda time kam de paata hun, but definitely AID ke sare event mein, especially jab tak Boston mein ho, I will keep meeting you. And aap kuch baat karna chahenge, kuch books aapne likha hai ya kuch calendar aap log banate hain ya kaise aur bhi cheeze log buy karke support kar sakte hain merch ki tarah? हाँ वो तो कैलेंडर एक निकलता है एवरी ईयर उसमें जनरली थोड़ा प्रोजेक्ट एड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात है या तो कोई कॉज है उसको लेकर है तो कुछ लोग जो बहुत सालों से ले रहे हैं कैलेंडर ये बहुत अच्छा लगता है उनको एक फिजिकल कैलेंडर जैसे ऐसे हुआ ये 2000 कब का है ये 22 का ही है ये क्या सो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं फोटोग्राफी में एक्सपर्ट हैं वो प्रोजेक्ट के थ्रू जब इंडिया जा रहे हैं अपने फैमिली से मिलने उसी टाइम पे एड के किसी प्रोजेक्ट में चले जाते हैं फोटोग्राफी करते हैं वो सब फोटोग्राफ्स अच्छे अच्छे जो सिलेक्ट होते हैं बहुत अच्छे वाले उनका सब मिला के एक कैलेंडर बनता है कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट है क्या काम हो रहा है सारा इसमें डिटेल है तो एक काइंड ऑफ बहुत अच्छा लगता है कि अगर खरीद के अपने घर में रखे हो तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग भी आती है कि आई सपोर्टिंग माय कम्युनिटी और क्या बैक टू रूट क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की रूट वहीं पे जुड़ी हुई है तो ये सब भी एक तरह से सपोर्ट जाता है एंड अवेयरनेस होती है अगर हमारे घर में कोई आया तो देखेगा ये कैसा है इट का है सो एंड द कुछ जैसे आपने बोला कि जो कम्युनिटी ट्राइबल एरिया में रहती है कई बार लोग हमको पता नहीं चलता है कि ऐसी भी लाइफ होती है इंडिया में सो इफ यू आर कनेक्टेड एंड विथ ऑल दोस थिंग यू नो कि हाँ इंडिया में भी ऐसी लाइफ है और कई बार फील होता है कि हम अभी जहाँ पे हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं वो देखने के बाद लगता है कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं अभी आई हैव एबिलिटी टू डू अलॉट मोर थिंग या लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ बुक्स भी लिख रहे थे सुंदरबन पे या सुंदरबन पे नहीं हम लोगों ने इस पे लिखा है एक मैंने अकेला नहीं काफी लोगों से मिलकर हेल्थ के ऊपर रूरल हेल्थ के ऊपर लिखा है बुक्स है क्या यहाँ है ये वाला ग्रीन वाला हमने डालिए ओके ये है एन एटलस ऑफ रूरल हेल्थ बोल के हमारे एक साथी संगठन है जन स्वास्थ्य सहयोग उनके साथ मिलके लिखा हम लोगों ने ये यस सो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आई नो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग बुक के बारे में पहले बताइए एंड देन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन हाँ तो ये बुक हमने एक्चुअली बुक लिखने के लिए नहीं लिखा था कैन आई ओपन इट हाँ यस प्लीज तो मैं काफी समय बिताता था जन स्वास्थ्य सहयोग में जो एक रूरल हॉस्पिटल है छत्तीसगढ़ में ज्यादातर आदिवासी समुदाय है बैगा समुदाय है उधर तो वहाँ लोग क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं उस पे तो मैं ज्यादातर समय अस्पताल में रहता था जो लोग वहाँ आते हैं उनसे बात करता था उनकी कहानी क्या है उनको कैसे ऐसे हुआ कैसे चिकित्सा उनको मिली या नहीं मिली तो ये सब बात करते करते मैं छोटा छोटा करके लिखता था उसके बारे में और लिख के जो वहाँ डॉक्टर थे हेल्थ वर्कर थे उनसे शेयर भी करता था फिर वहाँ से ये आइडिया आया और कुछ अलग अलग लोग थे वो भी लिखने लगे तो फिर वहाँ योगेश बोल के एक डॉक्टर थे उन्हीं का आइडिया था तो बोलते हैं कि इसको सब लेकर हम एक बुक बनाते हैं चलो तो उसी से ये आइडिया आया और हम इस दौरान बहुत सीखने को भी मिला उन लोगों से उन लोगों के परिवार के बारे में कि अस्पताल में जो देखते हैं वो देखते हैं फिर उनके साथ वापस उनके गांव जाना गांव में जाके क्या परिस्थिति है उनके घर में क्या खाते हैं कहाँ रहते हैं कैसे लाते हैं मतलब रोजमर्रा की जिंदगी कैसे उनकी चलती है जब तक हम वो नहीं देखेंगे तब तक इलनेस जो होता है बीमारी जो होती है उसके बारे में नहीं पता चलेगा जैसे हम लोगों ने सीखा है ये काम करते करते कि टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस क्या चीज से होती है तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि वो एक बैक्टीरिया से होता है पर हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये गरीबी से होता है डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉवर्टी दैट इज ट्रू राइट या राइट सो बिकॉज हम शहर में जाते हैं सो ऑल ऑफ अस आर एक्सपोज टू द सेम जर्म्स राइट सम पीपल गेट ट्यूबरकुलोसिस सम डोंट
सो हु आर दोज पीपल हु गेट ट्यूबरकुलोसिस, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है. और रूरल इंडिया में क्या होता है, ज्यादातर लोगों को एटलीस्ट मध्य भारत में सफिशियंट खाना नहीं होता, मैलन्यूट्रिशन होता है सभी का. सो उनको पकड़ लेता है, फिर उनसे उनके घर वाले पकड़ लेते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है. सो दैट इज व्हाट वी हैव एक्सप्लोर्ड इन दिस बुक. सो थ्रू ऑल दोस रिसर्च, सो दिस बुक इज, कोई इस बुक को खरीद सकता है? यस, कोई भी खरीद सकता है. कहां से? आप अमेज़न में होगा शायद. ओके, आई विल फाइंड द लिंक एंड पुट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. एंड डेफिनेटली इसमें पिक्चर के साथ डिटेल, डिजीज लोकल क्या है, उसमें कैसे काम कर रहे हैं लोग, सब कुछ बहुत शेयर कर रहा है. दैट विल ओपन योर आई, यू शुड बाय इट एंड सपोर्ट इट. So, thank you very much. Thank you so much. This story is really encouraging, inspiring, and आप पूरी लाइफ आप डेडिकेट किए हैं टू सर्व द कंट्री, सर्व द पीपल हु आर लाइक अंडर प्रिविलेज्ड एंड वर्किंग इन डिफरेंट एरिया, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सो मेनी थिंग. यस, या सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम. थैंक यू वेरी मच.